दोस्तों YouTube पत्रकार श्याम मीरा सिंह को दिल से सलाम है, जिन्होंने राम रहीम का वीडियो न हटाने को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी और YouTube पत्रकारिता के लिए ये केस अपने आप में एक मिसाल बन गया है। श्याम मीरा सिंह पर दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर कई मीडिया हाउस और राइट विंग के लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जैसे श्याम मीरा सिंह राम रहीम के खिलाफ केस हार गए हों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि श्याम मीरा सिंह हार गए हैं या उन्होंने जीत हासिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का पूरा विश्लेषण भी करेंगे, पहले बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल दोस्तों श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो बनाया था कि गुरमीत राम रहीम ने अपने भक्तों को कैसे बेवकूफ बनाया। उसके बाद गुरमीत राम रहीम ने श्याम मीरा सिंह को मानहानि का नोटिस भेज दिया, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर क्या आदेश दिया है, आइए पढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया श्याम मीरा सिंह की ओर से अपलोड किया गया ये वीडियो मानहानि वाला है, इसलिए इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जाता है। अगर श्याम मीरा सिंह नया वीडियो अपलोड करना चाहें तो डिस्क्लेमर लगाकर ट्रायल कोर्ट और दूसरे पत्रकार द्वारा लिखी गई किताब का जिक्र करें। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि श्याम मीरा सिंह को राम रहीम वाला वीडियो तो हटाना पड़ेगा, लेकिन दोबारा अपलोड कर सकते हैं, बस इतना डिस्क्लेमर लगाकर कि ये वीडियो कोर्ट के फैसले और पत्रकार द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित है। तो दोस्तों जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि श्याम मीरा सिंह केस हार गए, तो क्या श्याम मीरा सिंह को राम रहीम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी? नहीं मांगनी पड़ेगी। क्या श्याम मीरा सिंह को मानहानि के 2 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे? नहीं भरना पड़ेगा, दोबारा भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो आखिरकार ये श्याम मीरा सिंह की जीत है या हार, दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल दोस्तों श्याम मीरा सिंह के इस साहसिक कार्य को और उनके जज्बे को दिल से सैल्यूट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे गोदी पत्रकारों में ये बात पहुँच सके।